हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्स एडिट्स सुनीस आयरेड। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको 5G सपोर्ट मिल जाएगा एंड सेकंड जिसके अंदर आपको 10GB की रैम मिल जाएगी। मेरे पीसी में 8GB की रैम है और अब आपको एक ऐसा स्मार्टफोन मिल रहा है जिसके अंदर आपको 10GB की रैम मिल जाएगी। स्मार्टफोन्स की तरक्की हो रही है, हम वहीं पर हैं। तो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ शाओमी के MI Mix 3 की जो कि 25 अक्टूबर को बीजिंग में लॉन्च होगा। लेकिन इसके कुछ लीक्स आ चुके हैं और इसके हाइलाइटेड फीचर तो सामने आ ही चुके हैं, तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे ज्यादा हाइलाइटेड फीचर की, जो कि है इसका स्लाइड अप कैमरा वाला फीचर। तो जैसे कि आपने ओप्पो फाइंड एक्स में देखा था कि आपको वहां पर एक मोटराइज कैमरा मिल जाता है, जब भी आप कैमरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे या फिर अपने फोन को अनलॉक करने लगेंगे तो आपके फोन में से कैमरा स्लाइड होकर बाहर आ जाएगा और आपका फोन फेस अनलॉक हो जाएगा, और अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं या फिर फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट ही शाओमी MI Mix 3 में ला रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको मोटराइज कैमरा नहीं मिलेगा। इस कैमरा को ओपन करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन को स्वाइप डाउन करना पड़ेगा। तो MI Mix 3 का टीजर तो इन्होंने लॉन्च कर ही दिया और उसमें साफ साफ दिखाया गया कि जब भी आप अपनी स्क्रीन को स्वाइप डाउन करेंगे तो कैमरा ऊपर आ जाएगा, तो इस टाइप से आपके फोन का कैमरा ओपन होगा। और स्वाइप डाउन करके सिर्फ आपको कैमरा ही नहीं मिल रहा, इस फीचर की हेल्प से आप पेमेंट भी कर सकते हैं और अपने MI लैपटॉप्स को भी अनलॉक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर इसके अंदर आएंगे जो कि 25 अक्टूबर को जब ये फोन लॉन्च होगा तब आपको पता चल जाएगा। और 2-3 दिनों से ये भी बात चल रही थी कि इस फोन के अंदर आपको इनस्क्रीन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। MI Mix 3 की आज पहली बैक साइड की इमेज लीक हुई है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और आपको डुअल कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा बैक साइड पर। तो अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि इस फोन के अंदर शाओमी इनस्क्रीन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले नहीं लेकर आ रहे हैं, शायद फ्यूचर में कोई और फोन हो। तो अगर इस फोन के डिजाइन की बात करूं तो ये नियरली बेजलेस फोन है। इस फोन के अंदर आपको कोई भी बेजल देखने को नहीं मिलेगा। अप्रोक्स 100% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप इसके लगा सकते हैं क्योंकि इसके चारों डायरेक्शन में आपको कोई भी बेजल देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रंट कैमराज कहां पर होंगे तो उसके लिए आपको अपने फोन को स्लाइड डाउन करना पड़ेगा और आपके फ्रंट कैमराज पॉपअप हो जाएंगे। और शाओमी MI Mix 3 को लेकर बहुत ज्यादा ही टीज कर रहा है, तो इन्होंने अलग ही डिजाइन की इमेजेस पोस्ट करी हैं जो कि मतलब आपको देखने से एक बार समझ भी नहीं आएगा। तो उस टाइप से ये इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को टीज कर रहे हैं MI Mix 3 के लिए। हाँ, ये वर्ल्ड का पहला फोन होगा जिसके अंदर आपको 5G सपोर्ट मिल जाएगा जो कि अभी तक किसी भी फोन में नहीं आया है। हाँ, सैमसंग S10 में आएगा लेकिन वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। MI Mix 3 25 अक्टूबर को पहला सक्सेसफुल फोन लॉन्च हो जाएगा 5G सपोर्ट के साथ। हाँ, पता है कि 5G नेटवर्क अभी तक अच्छे से नहीं आया और शायद इंडिया में 2-3 सालों तक सारी सिटीज में आएगा भी नहीं, शायद मेट्रो सिटीज में जल्दी आ जाए। और फॉरेन में भी 5G नेटवर्क अभी टेस्टिंग स्टेज पर है, तो फॉरेन वाले तो 5G नेटवर्क जल्दी यूज कर लेंगे, लेकिन अपने को रुकना पड़ेगा 2-3 साल तक। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि शाओमी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को यूज करता है और अभी तक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कोई भी फाइनल वर्किंग वाला 5G सपोर्ट वाला प्रोसेसर नहीं आया है मार्केट में। तो MI Mix 3 के लिए ये Qualcomm Snapdragon 845 को यूज़ करेंगे जिसके साथ इनको Qualcomm Snapdragon का ही एक एक्सटर्नल मॉडम यूज़ करना पड़ेगा X50, जिससे कि इस फोन को 5G सपोर्ट मिल जाएगा। तो इन स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इस फोन का आपको 10GB रैम वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। तो इस फोन के अंदर आपको फ्रंट की साइड 24 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और बैक साइड भी आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा एंड 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा आपको बैक साइड पर मिल जाएगा और इसके अंदर आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। और इस फोन के अंदर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी। अभी तक बैटरी का नहीं पता कि कितने mAh की बैटरी इस फोन के अंदर आपको मिलेगी। तो यार, कुल मिलाकर ये बहुत ही अमेजिंग फोन होने वाला है। तो जब मैंने सबसे पहली बार इस फोन को देखा तो मैंने एक बात नोटिस करी कि हमें कैमराज को एक्सेस करने के लिए अपनी स्क्रीन को स्लाइड डाउन करना पड़ेगा, तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी एज कम्पेयर टू ओप्पो फाइंड एक्स, क्योंकि उसके अंदर आपको मोटराइज्ड फंक्शन मिल जाता है, जब भी आप अपना कैमरा ओपन करेंगे तो अपने आप कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन जब मुझे MI Mix 3 के दूसरे फीचर्स के बारे में पता चला, जैसे कि हम MI Mix 3 की स्क्रीन को स्लाइड डाउन करके पेमेंट्स कर सकते हैं और अपने MI लैपटॉप्स को अनलॉक कर सकते हैं, तो ये फीचर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, एक तरीके से ये स्लाइड डाउन वाला फीचर पुराना है, जैसे कि हमें पुराने फोन्स में मिलता था कि स्लाइड डाउन करते थे कि स्क्रीन बाहर आ जाती थी, बटन आ जाते थे तब चलाते होते थे, लेकिन शाओमी अब इसको एक अलग तरीके से लेकर आ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि ये फोन कैसा काम करता है और क्या कुछ और नए फीचर्स आने वाले हैं। और ये फोन डिफरेंट कलर्स में आएगा और जो अभी इन्होंने लेटेस्ट पिक्चर पोस्ट करी है उस हिसाब से लग रहा है कि ये फोन सिरेमिक व्हाइट कलर में भी आपको मिल जाएगा। और इस फोन का जो बेस वेरिएंट होगा उसकी स्पेसिफिकेशन होगी 6GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज और इसका प्राइस होगा 3799 yuan, जो कि अप्रॉक्स 40,000 पड़ जाएगा इंडिया में। तो इस प्राइस रेंज से स्टार्ट होगा, पता नहीं 10GB रैम वाले वेरिएंट की ये प्राइसिंग क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा ही होगी ऑफ कोर्स। तो मुझे तो इस टाइप के कंसेप्ट वाले फोन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस फोन का कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और आपको लगता है कि ये फोन हिट हो जाएगा।
और अभी तक इस फोन की सिर्फ यही चीजें सामने आई हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। और अगर फ्यूचर में लॉन्च के पहले इस फोन की कोई भी लीक्स आती हैं तो मैं आपको एक जरूर से वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, और यार हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए कि Xiaomi का Mi Mix 3 आ रहा है और उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।